सिंगरौली जिले में रोड के खस्ता हाल को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी परिवहन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह द्वारा जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सिर्फ इनके लापरवाही से सिंगरौली का विकास नहीं हो पा रहा है। सीधी सिंगरौली NH 39 रोड का काम 8 वर्ष से किया जा रहा है, लेकिन आज तक रोड की हालत गंभीर है। राजेश सिंह ने सीधी सिंगरौली के सांसद रीति पाठक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सांसद महोदया द्वारा दिल्ली संसद में भी NH 39 रोड के बुरा हाल को लेकर बात रखी गई, लेकिन भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हंसकर टाल दिया गया। आप क्या कहेंगे? आपको बता दें, सिंगरौली जिला हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का सबसे पिछड़ा जिला है। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ की जनप्रतिनिधि और जिनकी बातें कोई सुनता ही नहीं है। उन्हें मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता पता नहीं क्यों उनको चुनती है और उनसे इतनी ज्यादा अपेक्षाएं करती हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए वह कुछ कार्य ही नहीं कर पाते हैं। अभी आप तुरंत में सुने होंगे, एक यहाँ का कॉलेज का प्रोजेक्ट, गर्ल्स कॉलेज का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा था, जो कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं फिर उठाकर बढ़न ले जाया गया। और अभी ताजा आप सुने होंगे कि संसद में सांसद महोदया के द्वारा नितिन गडकरी साहब को यहाँ के रोड के लिए अनुरोध करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी लगा कि जैसे जुमला और चुटकुला चल रहा संसद भवन में, उस तरीके से इन्होंने उनके अनुरोध को ठुकराया या कबूल किया, ये जनता को नहीं समझ में आया। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि है, और जो कि जनता की बातों को दिल्ली तक या ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जैसे सीधी सिंगरौली की रोड है और उसका बहुत खस्ता हाल है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ की जनता है। आपको बताएं कि जनता अगर चुन रही है गलत लोगों को, तभी वो लोग आ रहे हैं और इन बातों को कह रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और नेता यहाँ के अगर हमारी बातों को समझें और हमारे कष्टों को समझें, तो यहाँ की स्थिति बदल सकती है। आपको बता दें, DMF फंड, इतना बड़ा फंड इस जिले का है, उसका भी बंदरबांट नेताओं द्वारा कर लिया जा रहा है। कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, और यह आपसी सामंजस्य से यह पैसा इधर का उधर हो जाता है। कोई भी आपको बता दे जनप्रतिनिधि यहाँ का यह बताने वाला नहीं है कि उनकी निधि से इस क्षेत्र में कोई पैसा खर्च हुआ है। सिर्फ वो मुंह देखते हैं NCL का, NTPC का और कंपनियों का, और कंपनी भी अपना टैक्स और अपना CSR फंड और DMF फंड देकर पल्ला झाड़ लेती है, और वो कोई भी जिम्मेदारी किसी तरह का लेना नहीं चाहती है यहाँ की समस्याओं को लेकर, क्योंकि उनके पास कोई फंड ही नहीं बचता है कि यहाँ की समस्याओं में वो कोई उनका सहयोग करे।